Non-stop 100. गोवा में फैब इंडिया के स्टोर में खुफिया कैमरा मिलने के बाद गिरफ्तार तीन फैब इंडिया के कर्मचारियों की मपूसा कोर्ट में पेशी। अदालत में दोनों पक्षों की जेरह जारी। गोवा क्राइम ब्रांच ने फैब इंडिया के आरोपी कर्मचारियों की कस्टडी की करी मांग। बचाव पक्ष ने कोर्ट में दी दलील, ट्रायल रूम से बाहर था कैमरा, कैमरे में केवल ग्राहकों के सिर और गर्दन तक की तस्वीरें ही होती हैं कैद। बचाव में दी गई दलील, कैमरा लगाने का मकसद केवल ये नजर रखना कि ग्राहक तीन से ज्यादा कपड़े लेकर ना जाए ट्रायल रूम के भीतर। बचाव पक्ष ने लगाई गई धाराओं पर भी कोर्ट में जताया एतराज, कहा जबरन आरोपियों को जमानत से वंचित रखने के लिए लगाई गई है गैर जमानती धाराएं। गोवा में खुफिया कैमरा मामले की जांच तेज, फैब इंडिया के सीईओ और एमडी समेत कुछ बड़े अधिकारियों से होगी पूछताछ। गोवा क्राइम ब्रांच के एसपी कार्तिक कश्यप ने दी जानकारी। फैब इंडिया स्टोर के मालिक की भी तलाश तेज, मामला दर्ज होने के बाद से ही है फरार, गोवा पुलिस के सभी थाने अलर्ट पर। गोवा में फैब इंडिया के स्टोर आज बंद, स्टोर में लगे जिस कैमरे को लेकर खड़ा हुआ था बवाल, उस कैमरे की तस्वीर आई सामने। चेंजिंग रूम के ठीक सामने लगा था कैमरा, कैमरे का फोकस चेंजिंग रूम की तरफ, इसी कैमरे को देखकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया था एतराज। गोवा के सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर ने आज तक से बातचीत से किया दावा, घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम लक्ष्मीकांत पारसेकर ने कहा घटना के बाद गोवा के बारे में ना बनाए गलत राय, गोवा में सुरक्षित है महिलाएं। Women are very much safe in Goa. It is the safest destination, I would claim. But this incident has occurred. लखनऊ में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा और आखिरी दिन, तमाम दिग्गज नेता मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव, देश के मौजूदा हालात समेत सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा संभव। अमित शाह के समापन भाषण के बाद नरेंद्र मोदी का संबोधन, पार्टी की भावी रणनीति का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मोदी और अमित शाह की बीजेपी नेताओं मंत्रियों को कड़ी नसीहत, का संभल कर करे बयानबाजी। बयान में कहा गैर जिम्मेदारान बयानबाजी से 10 महीने में सरकार की छवि हुई खराब। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आखिरी दिन भी नहीं बोलेंगे लालकृष्ण आडवाणी, पहले बीजेपी के कार्यक्रम में था आडवाणी के बोलने का कार्यक्रम। बीजेपी नेताओं ने दिया आडवाणी के ना बोलने पर सफाई, कहा पार्टी के मार्गदर्शक हैं आडवाणी, पार्टी करती है लालकृष्ण आडवाणी का सम्मान। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गोपाल अग्रवाल। बैठक में बीजेपी ने थपथपाई मोदी सरकार की पीठ, अमित शाह बोले 10 महीने में सरकार पर दाग नहीं। अमित शाह ने बीजेपी के 20 वर्षीय कार्यक्रम पर भरी हुंकार, बोले 10 से 20 साल तक बीजेपी चलाएगी सरकार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन भूमि अधिग्रहण बिल पर माथापच्ची, नितिन गडकरी ने बांटे बुकलेट। सरकारी योजना 23 लाख परिवारों तक जाएंगे, सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है कि नहीं वो देखेंगे, उस परिवार की स्थिति को देखकर उनको और क्या लाभ दे सकते हैं इसको उनको जोड़ेंगे।